हाँ भाई, ये तो मैं अभी मौजूद हूँ काजिस के बीच पर, जो काजिस प्लाया कहलाता है। कुछ लड़के हैं वो एक्सरसाइजेस वगैरह कर रहे हैं। मैं कैमरे को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। और इस वक्त यहाँ पे गावियोतास बहुत होते हैं। गावियोतास स्पेनिश में कहते हैं सीगल्स जो होती हैं, ये आप देख रहे होंगे। मैं इस वक्त करीब जाके दिखाना प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि मैंने अभी शूज़ ऐसे पहने हुए। तो इसके साथ इधर मट्टी में जाना, दिस इज़ नॉट गुड। लेकिन आई कैन टेल यू कि पानी इस वक्त इतना ठंडा होगा। और यहाँ पे देखें आप, लोग अपने डॉग्स के साथ यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। एंड इट्स राइट नाउ लेस पब्लिक हेयर, यू कैन सी यहाँ पे भी इधर वॉक कर रहे हैं, यहाँ पे भी वॉक कर रहे हैं। एंड इट्स गुड एनवायरनमेंट। यहाँ पे आप साइड में देख रहे होंगे, इधर ही रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए। दीज आर दी रेस्टोरेंट्स, ये होटल्स वगैरह हैं यहाँ पे। यहाँ पे लाइन से यहाँ पे सारे सब बने हुए। होटल है, इसका नाम है होटल काजिस पासियो डेल मार। मतलब पासियो डेल मार का मतलब होता है ये जो पूरी लेन जा रही है, दिस इज़ कॉल्ड पासियो डेल मार। क्योंकि यहाँ पे ये आपको प्लाया मिलेगा और यहाँ पे आप सीधा वॉक कर सकते हैं। दिस इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड होटल काजिस पासियो डेल मार। ख्यालों में कुम मैं रात सहे। यहाँ पे देख रहे होंगे ये काजिस का एक टूर करवाती है बस, ये एक सिटी साइड सीइंग की बस है। अभी तो इसमें इतने ज़्यादा लोग नहीं है, बट जैसे जैसे शाम होती जाती है इसमें भी और लोग बढ़ते चले जाते हैं। और यहाँ पे सही से लोग इंजॉय करते हैं क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों की एक अलग लेन है, यहाँ पे साइकिल की एक अलग लेन है। तो आप फ्रीली मूव कर सकते हैं और आपको डर भी नहीं होगा कि यहाँ से बाइक आ रही है, यहाँ से जो भी आ रही है साइकिल वगैरह आ रही है। सो दिस इज़ क्वाइट नाइस। और ये पास से वो पता नहीं कहाँ तक जाता है, बट अगर ये और आगे जाता है तो मैं दिखाता हूँ। वहाँ पे एक बहुत अच्छी सी बिल्डिंग बनी हुई है, मेरे ख्याल कैथीड्रल है वो, तो वो दिखाना ज़रूरी था। लेकिन मेरे ख्याल से मेरे पास एक वीडियो है, वो मैं शायद चला दूँ इधर। अगर आपको नज़र आ रहा हो दूर से, दैट इज़ द कैथीड्रल। वो बिल्कुल जहाँ पर ट्रैक्टर चल रहा है उसके ऊपर ही, बिल्कुल दैट इज़ द कैथीड्रल देयर। मैं इसकी वीडियो चला देता हूँ। अब ये एक स्टैचू है भाई, इसको थोड़ा सा मुझे ब्लर करना पड़ेगा, बट क्या कर सकते हैं, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन बस इसको ब्लर आंखें बंद करके देखें तो ज़्यादा सही रहेगा। राजा और रानी कहानी पूरा। ऐसे टाइम पे आप बहुत कम आते हो इधर प्लाया वगैरह पे। सो जब आप सुबह में आते हो किसी अच्छे टाइम पर आते हो तो आपको और अच्छा लगता है। एंड काजिस जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं, यहाँ दिस इज़ वन ऑफ दो सिटीज़ जहाँ पे स्पेन में मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते होंगे बार्सिलोना के अलावा, बिकॉज बार्सिलोना इज़ ऑल्सो अ बिग स्पॉट जहाँ पे आपको रोज़मर्रा पे आपको टूरिस्ट नज़र आएंगे एंड सो ऑन। काजिस इज़ ऑल्सो अ गुड प्लेस जहाँ पे लोग समर स्पेंड करने आते हैं यूजली, क्योंकि यहाँ पे समर बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे प्लाया है, यहाँ पे सब कुछ है एंड इट्स अ गुड प्लेस और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। अब क्योंकि यहाँ काजिस में जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है, सो एयरपोर्ट के लिए हमें एक न्यू सिटी जाना पड़ता है जिसका नाम सेविया है, या फिर खेरेस का भी एक एयरपोर्ट है, वहाँ पर भी जा सकते हैं आप। सो दीज आर द टू क्लोज एयरपोर्ट्स नियर दिस काजिस सिटी। एंड दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जॉटिक प्लेस जहाँ पर खा सकते हैं, बीच वगैरह जब आते हैं तो यू कैन हैव ड्रिंक्स हियर एंड सो ऑन। सो
सो इट्स अ नाइस लग्जरी प्लेस। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप ज़रूर आइए यहाँ पे, उड़ाइए पैसे, मेरा क्या जाता है। तो यहाँ पे अभी भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो हमें ट्राई करने स्टिल, देखते हैं कब मौका मिलेगा। ये यहाँ से सब शुरू हो रहे हैं, यहाँ से ये रेस्टोरेंट शुरू हो रहे हैं, यहाँ पे हुक्का बार ये जो भी होता है ये भी है, फिर आगे भी रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं और ये लाइन से सारे रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं। तो इसी से जुड़ी एक बात मुझे याद आई क्योंकि मेरे अब यहाँ पे 15 साल से हैं एंड उन्होंने कभी यहाँ पे बीच नहीं देखा था, बिकॉज ही हैज़ ऑलवेज वेटेड फॉर अस टू कम हियर। तो अब जब हम यहाँ आए तो उन्होंने पहली दफ़ा यहाँ पे बीच देखा था एंड ही वॉज रियली एक्साइटेड। तो हमने यही वाला बीच देखा था यहाँ पे, कादिस वाला, एक जहाँ पे हम रहते हैं सैन फर्नांडो, वहाँ पे भी एक अलग बीच है, उसका नाम कंपो सोतो है। लेकिन कादिस का बीच एज यू कैन सी बड़ा है थोड़ा सा और खुली जगह है। और मैं अगर बताऊँ तो यहाँ पे दो पार्ट्स हैं बीच के, मतलब ये एक अलग बीच है और उस तरफ एक अलग बीच है जो कि न्यूडिस्ट बीच कहलाता है। वहाँ पे थोड़ा सा खुला माहौल होता है एंड बच्चे वहाँ पे नहीं जा सकते, यू कैन नो। जी आप लीजिए ना, गुजारिश है आपको साथ। मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ उतरा हूँ बिकॉज मुझे इस दीवार के करीब जाना था और यहाँ से थोड़ा सा और करीब से नजर आएगा। यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे एक साइड पे जॉगिंग रनिंग हो रही है और दूसरी साइड पे दिस इज द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बीच हियर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मुझे बस छोटी सी वीडियो है, मुझे आपको यहाँ पे बीच दिखाना था क्योंकि मैं अभी सुबह के टाइम इस टाइम पे मैं पहली दफ़ा आया हूँ। सो आई थॉट व्हाई शुडंट आई मेक अ वीडियो। तो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड, और ज़रूर आए इधर, बस हो गया।